दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे शोभा कुमारी देसी ब्लॉग में। और यहाँ फिर से बारिश हो ही रही है। एक तो इतनी उमस और बारिश, मत पूछिए, बहुत बुरा हाल है। और बारिश के दिनों में बाल का टूटना, ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है। अभी ये सभी के साथ ये प्रॉब्लम हो ही रही है। और अब हमारे यहाँ बिहार में आद्रा नक्षत्र चढ़ा हुआ है, तो इस आद्रा नक्षत्र में हम लोग दाल की पूड़ी और खीर बनाते हैं। और आप लोग को भी बना के बच्चों को खिलाना चाहिए, क्योंकि इस नक्षत्र में ये पूड़ी बनता है और ये खीर बनता है। और सभी को, बच्चे लोगों को घर में पूरे फैमिली खाते हैं। बहुत से जगह पे इस पर्व को मनाया जाता है। तो आज हम रात में डिनर में बनाएंगे दाल पूड़ी और खीर। और मैंने ढेर सारी शॉपिंग की है दोस्तों, ढेर सारी मैंने ऑनलाइन से शॉपिंग की है। ऑनलाइन में मैंने काफ़ी सारा सामान भी मंगाया है। मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसका प्रोडक्ट रिव्यू शेयर करती हूँ। मुझे अच्छा सामान रिसीव हुआ है और मैं आप लोगों के साथ बताना चाह रही हूँ। मैंने ये तीनों मीशो से मंगवाया है। ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ है, काफ़ी अच्छा है। तो पहला प्रोडक्ट है ये देखिए, ये इस तरह ये है। और काफ़ी अच्छा कपड़ा है, बिल्कुल फुल कॉटन में है। और ये एक कुर्ती, इस पे पूरे में इस तरह काम किया हुआ है, रेड रेड सीप लगी हुई है सितारे। और ये स्कर्ट कुर्ती मुझे 666 रुपये में मिला है। टी शर्ट की प्राइस है 297 रुपीज़। ये दूसरा मैंने लॉन्ग टी शर्ट है, ये देखिए काफ़ी अच्छा, ये भी फुल कॉटन में है। ये भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ है। और ये जैगिंस कॉम्बो पैक है और ये दोनों 747 रुपये की है। और ये जैगिंस का कपड़ा काफ़ी ही अच्छा है और इसमें इलास्टिक लगे हुए हैं दोनों में। ये थोड़ा लंबा आ गया मिला है मुझे इसमें तो। और अभी मीशो पे सेल चल रहा है और काफ़ी ही अच्छा प्रोडक्ट आया है मुझे। और आप भी जा के इसे देख सकते हैं, ले सकते हैं। 747 में मुझे दोनों कॉम्बो पैक में मुझे मिला है, 747 रुपये की है ये। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो आप इसे टी शर्ट, ट्राउज़र, अति टी शर्ट, कुर्ती पे भी पहन सकते हैं। हेलो दोस्तों, अब बजना है शाम के 7:30। तो मैं अब रात के खाने की तैयारी कर लेती हूँ। और मैं, हमारे यहाँ कोई आ गए थे, इस वजह से मैं रेसिपी खीर और दाल पूड़ी की नहीं डाल पाई हूँ। बस तो कुछ क्लिप है जो मैं डाल पाई हूँ, इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। और जो भी मेरे इस चैनल पे नए आते हैं, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैंने यहाँ 2 लीटर दूध लिया है। मैंने दूध को बॉयल कर लिया और 150 ग्राम चावल धो के अच्छे से साफ उफ करके मैंने इसमें डाल दिया है। अब दूध में कुछ खीर को चलाते रहें, नहीं तो नीचे से लग जाएगा। अब हम दाल के लिए, दाल को मैंने 2-3 घंटे के लिए सोप होने दे दिया था और दाल अच्छे से फूल गया था, मगर मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई, इस वजह से मैं नहीं डाल पाई आपको। तो एक कढ़ाई ले ले, कढ़ाई में तेल डाल ले 2 से 3 बड़े चम्मच, उसमें मिर्ची का फ़ोरन डाल के और चने की दाल जो फुला हुआ है उसे डाल दें और नमक हल्दी डाल के ढक दें। अब यहाँ तब तक, जब तक दाल सीज रहा है तब तक हम यहाँ आटा लगा लेते हैं। आटे के लिए हमने आटा ले लिया है और आटे में मैंने नमक, जीरा और घी डाल कर इसे अच्छे से गूँथ लूँगी मैं। अब आटा हमारा गूँध गया है, अब इसे 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए ढक के रख देते हैं। अब हमारा दाल के लिए मैं यहाँ जीरा कूट लूँगी, और जीरा भून के कूटे नहीं, ऐसे ही जो साबुत जीरा होता है उसे डाल दें।
यहाँ पे मैं 1 इंच अदरक का टुकड़ा लूँगी और इसे भी कूच कर मैं इसमें डाल दूँगी। अब दाल को अच्छे से मिला के ढक दें जब तक ये अच्छे से पक ना जाए। और ये काफ़ी गांव में इसी तरह से दाल पूड़ी के लिए दाल बनता है। और ये मैंने यहाँ ड्राई फ्रूट्स कट कर लिया है। अब मैं खीर में इसे डाल दूँगी और खीर हमारा बन ही चुका है। और इसमें चीनी भी डाल दें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और यह दाल हमारा देखिए बन चुका है। अब इसे किसी चीज़ से थोड़ा मिक्स कर लें। और ये देखिए दाल को ठंडा होने के लिए कहीं पंखे के पास रख दें, क्योंकि गरम गरम दाल नहीं भरना चाहिए, इससे पूड़ी फट जाती है। अब मैं यहाँ आटे की लोई बना के पूड़ी भर लेती हूँ। और इस तरह करके मैं सारे पूड़ियों को भर लूँगी। मैं गैस पे मैंने ऑयल गरम होने दे दिया है। अब पूड़ी बेल लेती हूँ। मैं एक साथ 4-5 बेल के रख दी हूँ। अब एक एक दो दो करके इसमें डाल लूँगी। आप इसे धीमी आंच पे तलें ताकि ये थोड़ी कड़क बनेगी। और आपको अगर नॉर्मल कड़क नहीं चाहिए तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये हमारा पूड़ी खीर बन चुका है। और अब हमारे बच्चे यहाँ खाने बैठ गए हैं, तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें। और ये आद्रा नक्षत्र में बना के बच्चों को ज़रूर खिलाना चाहिए। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।